नमस्कार, खबरों विशेष में आपका स्वागत है। सांसद के बिगड़े बोल, जींस का नहीं कोई मोल में आज हम बात करेंगे। जहां सांसद ने विवादित बयान दिया है, आपको बताते चलें कि सांसद के बिगड़े बोल जींस का नहीं कोई मोल। आपको बता दें कि सांसद ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल जांगड़ा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अचानक उनकी जुबान फिसल गई। जांगड़ा ने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया है, देखिए रिपोर्ट। जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं, और आजकल तो पता नहीं क्या भेड़ाग्रह हो गया, फटी हुई पैंट पहन के। झज्जर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके विचारों को साझा किया। लेकिन इस दौरान उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे डाला। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लड़कियों के जींस पहनने को लेकर सवाल उठाया और कहा कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। ये जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं, और आजकल तो पता नहीं क्या भेड़ाग्रह हो गया, फटी हुई पैंट पहन के। राज्यसभा सांसद रामचंद जांगड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने न केवल लड़कियों के जींस पहनने को लेकर विवादित बयान दिया बल्कि देश को भी नकलची बता डाला। राज्यसभा सांसद रामचंद जांगड़ा ने कहा कि आजकल तो फटी जींस का फैशन है, यूरोप को तो अपना कचरा बाहर निकालना था तो उसने देखा कि भारत तो एक नकलची देश है, अपने यहाँ का सारा कचरा भारत में निकाल देते हैं। तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती है, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब लड़कियों के पहनावे को लेकर किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई नेता ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जो नेताओं की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि 21वीं सदी में भी आखिर कब तक लड़कियों के पहनावे को लेकर सवाल उठते रहेंगे। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।